हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अभी एक वीडियो ऑलरेडी डालिए यहाँ पर देखिए जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी ना तब तक यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की ये स्टॉक्स आपको अच्छा खासा गेन देता रहेगा मुझे जो लगता है वो सारे के सारे व्यूज टेक्निकल से रिलेटेड बातें कर रही है स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा यहाँ पर डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है सब चीज यहाँ पर अच्छा खासा है जाके वीडियो को जाके देखिए इसके अलावा इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले और जानेंगे क्या उसमें हो सकता है देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी का एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको तो अगर हम देखते देखिए हमारे स्टॉक्स भाग नहीं रहे अगर बात करें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आईटी के या के यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं बट हमारे टू स्टॉक्स एज इट इज यहाँ पर नजर आ रहे हैं बट हम देखें यहाँ पर तो एक गिरावट है ना वो गिरावट यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पर से ये देखिए रिवर्सल हो चुका है यहाँ पर आ, ग्रीन कैंडल भी आ गई है और एक दो तीन दिन मैंने आपको बताया था कि एक दो दिन यहाँ पर गिरावट हो सकती है और वो गिरावट हुई है और यहाँ पर 50 डी के आसपास आ आगे आए और 50 डी के आसपास आके यहाँ पर एक दोबारा से अब ऊपर की तरफ ये भागता हुआ मुझे नजर आ रहा है निफ्टी स्मॉल स्मॉल कैप टू का यहाँ पर है इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं जब जब इस तरीके से आया है देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से एक कैंडल बनी थी उसके बाद थोड़ी सी एक आध दिन की गिरावट हुई इसके बाद भागता हुआ नजर आया है यहाँ पर भी सेम यहाँ पर देखिए एक कैंडल हरी कैंडल बनी इसके बाद दो तीन दिन यहाँ पर गिरावट हुई फिर उसके बाद भागता हुआ नजर आया तो ये चीज चलती रहेंगी गिरावट भी होती रहेंगी आपके पास किस तरीके के स्टॉक्स स्टॉक्स आपके फंडामेंटली है या नहीं आपने एक बेहतरीन स्टॉक चुना है या नहीं ये आपको खुद डिसाइड करना होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू निफ्टी मिड कैप का भी एक आइडिया अगर हम देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप वन तो देखिए इसने भी आज के डेट में यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्सल का संकेत दे दिया है यहाँ पर देखिए इसके बाद भी ये दो तीन दिन गिरावट और फिर अगर हम देखें आज के डेट में फिफ्टी डीएमए के आसपास यहाँ पर यह भागती हुई नजर आ रही है निफ्टी फिफ्टी में कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे तो बट तो तो हम, तो हम बात करने वाले आज की डेट की देखिए अच्छा खासा भाग रहा है हमें निफ्टी आई टी पे कुछ टाइम पहले वीडियो भी बनाई थी और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था कप विद हैंडल पैटर्न उससे भी क्रॉस करते हुए ये हाइस्ट टॉप लेवल पर यहाँ पर चल रहा है तो थोड़ा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है ठीक है चलते हैं और हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक से देखिए निफ्टी स्मॉल कैप हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर रहा है तो एक वाला ही और वहां पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है

प्रोबायोटिक्स तो यहाँ पर ये कंपनी इस चीज़ से नजर आती है इसके अलावा बात करें यहाँ पर ये कंपनी ह्यूमन हेल्थ केयर में नजर आती है जिसमें यहाँ पर 75 फाइव परसेंट ऑफ रेवेन्यू आता है द कंपनी प्रोवाइड एंजाइम्स प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम तो अगर बात करें इस तरह एक तरीके के यहाँ पर ये विटमिन बनाता हुआ नजर आता है यहाँ पर बात करें वेजर्स फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रीस्यूटिकल्स कंपनीज इन इंडिया नॉर्थ अमेरिका एशिया यहाँ पर ये कंपनी इन कंट्रीज में काम करती हुई नजर आती है इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशंस भी बनाता हुआ नजर आता है ये कंपनी तो बात करें थर्टीन परसेंट उससे रिवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर देखिए एंजाइम बेस्ड फीड एडिटिव एनिमल न्यूट्रिशन इंडस्ट्रीज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो यहां पर इस चीज को देखिए इसके अलावा ट्वेल्व परसेंट रेवेन्यू इनकी से आती है इंडस्ट्रियल बायो प्रोसेसिंग में यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो वहां से द कंपनी प्रोड्यूस नॉन फूड प्रोसेसिंग एनजाइम फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल लेदर यहाँ पर डिटर्जेंट एंड पल्प एंड पेपर यहाँ पर इन पर्टिकुलर जो ये कंपनीज है इसमें जो ये प्रोडक्ट्स उधर भी इनके प्रोडक्ट्स यहां पर जाते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो मोर देन कंट्रीज में यहाँ पर ये प्रेजेंट है इन द वर्ल्ड एंड कैटर्स टू मोर देन सेवन हंड्रेड कस्टमर वर्ल्ड वाइड तो बात करें सात सौ प्लस इनके कस्टमर्स भी हैं यहाँ पर पूरी दुनिया में तो प्रेजेंटली द कंपनी फोर्टी थ्री द रेवेन्यू देखिए तैतालीस परसेंट रेवेन्यू इंडिया से आता है बाकी फोर्टी टू परसेंट अमेरिका से आता है सेवन परसेंट यूरोप से और अलग अलग, अलग प्लेसिस से वर्ल्ड के यहाँ पर एट परसेंट आता है तो फैसिलिटीज uh, की बात करें ओन्स एंड फाइव ऑपरेटिविटीज

पर जेसी बायोटेक की प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर इन्होंने एक्वायर किया है एज वेल एज बात करें एक्सो एक टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इन्होंने 2017 में और यहाँ पर साईटेक स्पेशलिटी को इसने 2020 में यहाँ पर एक्वायर किया है तो यहाँ पर इन कंपनीज को भी ये एक कंपनी एक्वायर करती रहती है तो आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया कि कंपनी क्या करती ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रो फूड प्रोसेसिंग एनिमल न्यूट्रिशन नॉन फूड प्रोसेसिंग जिसमें टेक्सटाइल लेदर पल्प ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स में यूज होता है एनजाइम फॉर फूड प्रोसेसिंग

यहाँ पर बात करें यहाँ पर फूड से जो इस तरीके के फूड आ रहे हैं देखिए ऑर्गेनिक फूड तो कोई नहीं है मोस्टली हमें इनऑर्गेनिक फूड मिलता है और जिसमें हमें किसी भी हर तरीके के न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हमें विटमिनस की कमी हो जाती है हमें आ, अगर बात करें इसी तरीके से विटमिन माल की हमें प्रॉब्लम आ जाती है विटमिन डिफिशेंसी हो जाती है तो इस तरीके की हमें पर, आ, आ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम का problem को सफर करना होता है तो यहाँ पर इस तरीके की कंपनी है जो आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली है आजकल लोग सब विटमिन भी ले रहे हैं इसके अलावा बाहर से मेडिसिन के रूप में ही ले रहे हैं क्योंकि फूड से वो सब चीज एक ही चीज में नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारा फूड ज्यादा इन ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक होता जा रहा है तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी और इसकी ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आती है मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसलिए मैंने आपको स्मॉल कैप दिखाया था कि स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर भागती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो ये शेयर है एक ऐसे प्राइस पर आ गया है जहां पर अगर अभी हम खरीदते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा आरो सी की है सिक्सटीन की यहाँ पर बात करें यहाँ पर आर है डेट की बात करें कोई डेट नहीं है लगभग दो की डेट है ना के बराबर प्लेजिंग यहाँ पर कुछ नहीं है कंपनी की इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट तो रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पर सेल्स की तो देखिए हाइएस्ट पर सेल्स

की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व देख सकते हैं नाइन फोर्टी एट कर इन्वेस्टमेंट के है, है केवल इक्कीस करोड़ का है यहां पर जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई दे रहा है इसके अलावा बात करें आरो बेहतरीन है बीस से नीचे तो कभी नहीं आई और बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी क्वार्टर में कम हुई है लगभग तीन के आसपास बट एफ की बात करें एफ की होल्डिंग

यहाँ पर देखिए बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है जो कि हमने यहाँ पर समझ लिया इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर अच्छे खासे इस कंपनी के नजर आते हैं और अब बात करते हैं इसके आ, आ,

तो देखिए दो चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं एक ये और एक ऊपर से भी जो जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको सिखा रखा है यहाँ पर सब चीज किस तरीके से देखते हैं तो देखिए एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पर एक शोल्डर बनाया इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इसने एक हेड बनाया ओके हेड बनाने के बाद दोबारा यहाँ पर एक शोल्डर बनाया और यहाँ पर शोल्डर बनाने के बाद दोबारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर की तरह का फॉर्मेशन बना के ये ऊपर जाएगा और जब इस तरीके के टारगेट जब ये इस तरीके की कंपनी जब हाईएस्ट एवर नंबर दिखाना शुरू कर देती है ना तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर अपने टारगेट को पूरा हिट करके ही आते हैं और थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं इसमें बट यहाँ पर टारगेट अचीव होने ही होते हैं और अगर बात करें कितने टारगेट आ रहे हैं इसके तो यहाँ पर देखिए कितना टारगेट आ रहा है ये टारगेट आ रहे हैं लगभग सात सौ रुपए के और जो कि यहाँ पर से अगर हम बात करें रिसेंट से कि कितना यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं तो ये लगभग हंड्रेड एंड एट परसेंट के रिटर्न हंड्रेड परसेंट मतलब आपका पैसा यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा तो ही ये शेयर यहाँ पर फिर नहीं मिलने वाला इस, इस प्राइस पे यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी है गिरता है बायोन डिप्स कर लेना बट यहाँ पर पहली एक जो होती है ना ई एम आई या पहली आप एस आई पी के मोड पर अगर लगा रहे हैं तो वो आपको लिखा देनी चाहिए पहला

करिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे सो थैंक यू सो मच ब्लेस